अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि ऑन एंड ऑफ बहुत कुछ चल रहा था। तो आज जो है अर्ली मॉर्निंग उठे थे हम, तो आज का डे भी थोड़ा बिजी ही है क्योंकि आज हम लोग लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी सुबह में जा रहे हैं और शाम में हमें वापस भी आना है। इसके साथ ही मैं आपको बताती जाऊं कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो अभी मुझे लाहौर में कुछ काम था फार्मेसी काउंसिल में, मेरा लाइसेंस जो है वो रेडी था तो मैंने आज उसे रिसीव करना है। उसके बाद वहाँ से घर से कुछ चीज़ें पिक करनी है और फिर शाम तक हमारी वापसी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो है अपना ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो बस काउंसिल गए, वहाँ से लाइसेंस रिसीव किया और उसके बाद जो है तकरीबन 12 बज चुके हैं और अभी हमें बहुत भूख लग रही थी, नाश्ता नहीं किया था, तो बच्चे जो हैं रास्ते में बस सोते आए हैं। तो अभी हमने जो अपना काम करना था वो कर लिया है और अब हम लोग आए हैं बुंदू खां रेस्टोरेंट है, इनका जो है ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है, तो हमने सोचा अभी टाइम भी है तो वो इन्जॉय करते हैं। और तो बस अब हम लोग एंटर हो रहे हैं तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे और अपना जो है नाश्ता करेंगे, उसके बाद बस घर जाना है, वहाँ से कुछ चीज़ें पिक करनी है। तो इस तरह से जो है कुछ आज के दिन की शुरुआत हुई थी हमारी। बच्चे जो हैं सारे रास्ते सोते आए हैं क्योंकि लेट उठते हैं घर में, तो अभी हम लोग जल्दी निकले थे तो बस मैंने इनको गाड़ी में ही जब ये सो के उठे हैं तो चेंज कराया है, तो अभी इनको ज़रा ये फ्रेशन अप हुए हैं, हमने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है तो बस इनको भूख लगी हुई है, अभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है एक दो काम करने हैं और फिर हम लोग जो है वापसी के लिए निकलेंगे। तो हुरैन और मूसा जो हैं वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो ऐसी आउटिंग्स उन्हें बहुत पसंद हैं और ख़ास करके जब के वो अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनका बहुत अच्छा दिन गुजरता है। तो बस हुरैन ने जो है अभी अभी चलना स्टार्ट किया है, तो वो भी जो है इधर उधर फिर रही है और इन्जॉय कर रही है। और मूसा जो है उसे आदत है सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने की, तो बस वो वेट कर रहा है कि कब उसका नाश्ता आएगा। सुबह सुबह उठते ही वो किचन में आता है और मम्मी नाश्ता की आवाज़ लगाता है, तो अभी बस वो वेट कर रहा है कि नाश्ता आए और वो ब्रेकफास्ट इंजॉय करें। तो ये जी आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता जो है आ गया है, तो अभी नाश्ता करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं। इनका जो नाश्ता है वो बहुत मज़े का होता है, खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने जो है निहारी ऑर्डर की है, साथ में हमने ब्रेन मसाला ऑर्डर किया है और हलवा पूरी। तो उसके बाद चाय पियेंगे, तो इस तरह से जो है हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। चाय के बगैर तो नाश्ता इनकम्प्लीट होता है। वैसे तो मैं विदाउट शुगर चाय पीती हूँ, लेकिन कभी कभी मीठे का दिल करता है तो फिर मैं ब्राउन शुगर ऐड कर लेती हूँ, तो अभी भी मैंने ब्राउन शुगर ऐड की है और ये मज़ेदार सी चाय तैयार है। तो इसके साथ ही जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और बस अभी चाय पीऊँगी और उसके बाद जो है अब हम लोग जो है वापस निकलते हैं यहाँ से ताकि हम अपने बाकी के टास्क कंप्लीट कर सकें और टाइमली सब कुछ मैनेज हो जाए, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो हमारा ये कोशिश है कि हम लोग टाइम से
घर पहुंच जाए ताकि अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो बस ये हम लोग अभी गाड़ी में बैठते हैं और फिर जो है घर पे जाना है। वहाँ से अम्मी तो मेरे पास वहाँ आरिफाला ही आई हुई हैं कुछ दिन स्टे करने के लिए, तो बस घर जाना है, वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें पिक करनी है तो वो पिक की, और उसके बाद जो है हम वापसी के लिए निकल चुके हैं। तकरीबन हमें 4 घंटे लग जाएंगे वापस पहुँचते पहुँचते। तो बच्चों को क्योंकि शाम हो गई थी फिर से भूख लग गई थी, तो हमने रास्ते में से KFC ड्राइव थ्रू किया और अब जो है हम अपना बाकी का सफ़र इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि घर पहुंच के जो है हमने अपनी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करनी है। तो बस घर पहुंचते हैं और बच्चों को रेडी करती हूँ। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अभी, उनके लिए मुश्किल हो जाता है और सफ़र में एक जगह बैठना तो बच्चों को बहुत इरिटेट करता है। तो बस ये घर पहुंच गए थे और उसके बाद जो है हुरैन तो बिल्कुल सो गई, तो मैंने मूसा को रेडी किया और ये जो है मैं ख़ुद भी तैयार हो गई हूँ। तो ये मेरी फुल लुक है, ड्रेस जो मैंने पहना है वो मैंने यहाँ से लिया था ज़ेलबरी से, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। तो इसके जो है गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बाजू पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और शलवार के साथ ये 3-पीस सूट था, तो ये मुझे कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया तो देखते ही मैंने इसे परचेज़ कर लिया। और जो शूज़ मैंने पहने हैं वो अलमास के हैं, ये भी मेरे फेवरेट शूज़ हैं, तो इस ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छे जा रहे थे तो मैंने सोचा आज यही वेयर करते हैं। तो ये तो जी थी आज की मेरी फुल लुक। तो हुरैन जो है डिनर के लिए हमारे साथ नहीं आई क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी और वो सो गई थी। तो मूसा भी थक तो गया था लेकिन वो अभी नहीं सोया था, तो उसे फिर हम लोग साथ ले आए हैं। अभी हम लोग जो है यहाँ पे एक पास में ही कैफ़े है साज कैफ़े के नाम से, तो वहाँ पे आए हैं। भूख तो कुछ ख़ास है नहीं हमें, बस एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो ये हम लोग जो है कैफ़े में आ गए हैं तो अब बैठते हैं। मूसा आपको देखने से ही लग रहा होगा कि काफ़ी डाउन है क्योंकि सुबह से उठा है, और मूसा को बर्थडे करना बहुत पसंद है इसलिए वो बहुत हैप्पी है। तो अभी हम जो है अपना एनिवर्सरी का केक कट कर रहे हैं। तो इस तरह से जी हमारा जो है आज का दिन बहुत ही अच्छा गुज़रा, हम लोगों ने पूरा दिन साथ स्पेंड किया और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया क्योंकि डेली लाइफ में तो मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी रहते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता फैमिली के लिए। तो इस वजह से जो है आज का पूरा दिन उन्होंने हमारे साथ स्पेंड किया तो बच्चे भी बहुत हैप्पी थे। अब जो है हमने खाने का ऑर्डर दे दिया हुआ है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा प्लेइंग एरिया बना हुआ है, तो बच्चे जो हैं यहाँ आके बहुत इन्जॉय करते हैं, जैसे कि मूसा भी अभी इन्जॉय कर रहा है। तो स्लाइड्स वगैरह भी हैं तो बच्चों को बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें जी हमारा खाना भी लग चुका है टेबल पे, भूख हमें कुछ ख़ास नहीं थी, रास्ते में आते आते हमने KFC जो खा लिया था। तो बस आज हमारी जो है एनिवर्सरी थी तो उसके लिए हमें डिनर के लिए तो आना ही था, तो हमने खाने में कुछ ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया। तो हम लोग जो है अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं और मूसा जो है अपना
प्लेइंग एरिया में खेल रहा है और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। हमें लग रहा था कि वो एंजॉय नहीं करेगा। रात हो गई है और पूरा दिन जो है बहुत हेक्टिक रहा है, सारा दिन ट्रैवल किया था, लेकिन उसे यहाँ पे कैफ़े में आके बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी अगर इस एरिया के नज़दीक रहते हैं तो इस कैफ़े में जाइएगा, आपके बच्चे भी बहुत इन्जॉय करेंगे और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है और खाने का टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखें, मूसा का यहाँ से जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। अब वो बिल्कुल एक्टिव हुआ हुआ है कि मुझे यहाँ पे खेलना है। हम लोग जो है काफ़ी थक चुके हैं और डिनर भी हमने कर लिया है। मूसा जैसे ही थोड़ा फ्री होता है तो फिर हम लोग जो है वापसी के लिए घर निकलेंगे। तो जितनी देर मूसा खेल रहा है उतनी देर जो है मैं आपको यहाँ का इन्वायरमेंट दिखाती हूँ। इनका जो सिटिंग एरिया है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है और बच्चे तो यहाँ आके उनका बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं करता। तो अब हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके हैं, अब वापसी घर के लिए निकल रहे हैं। बहुत थक चुके हैं, बस घर पे जाएंगे और रेस्ट करेंगे। रात को जो है बस आते ही सो गए थे हम लोग। तो सुबह जब मैं उठी तो नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मेरा जो है एक पार्सल आना था जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। मैंने स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी, तो ये एक नया ब्रांड है, अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, तो वहाँ से मैंने भी कुछ स्किन की प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी, वही पार्सल आया है। तो अब इसको जो है हम अनबॉक्स कर रहे हैं और मूसा जो है साथ साथ मेरी हेल्प करा रहा है। मूसा को लग रहा है कि इस बॉक्स में से उसकी कोई गाड़ियाँ निकलेंगी। मूसा को गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो है क्लिंजर ऑर्डर किया था, साथ में जो है मैंने मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक और रेटिनॉल सीरम वो ऑर्डर किया था। तो मूसा देख रहा है कि शायद इसमें कोई मेरी गाड़ी निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है इनका सनब्लॉक था। ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और साथ साथ जो है मैं आपको फिर इसका रिव्यू भी दूँगी। जैसे कि आप पिक्चर में कंपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है अपना फेस जो है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और बाल जो है वो टाई कर लेने हैं। तो वन बाय वन जो है मैं ये सारी चीज़ें अप्लाई करूँगी। क्लिंजर सबसे पहले अप्लाई करना है, उसको जो है हमने वेट फेस पे लगाना है। ये इनका क्लिंजर है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और इस तरह से जो है मसाज करना है अपने फेस पे। तो स्किन केयर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें जो है डेली थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए और इसे हैबिट बना के डेली बेसिस पे स्किन केयर करनी चाहिए। तो ये मैंने 1 से 2 मिनट तक क्लिंजर के साथ मसाज किया अपने फेस पे, उसके बाद मैंने वॉश कर लिया है और टिश्यू पेपर से फिर ड्राई करूँगी फेस को। उसके बाद जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे सीरम रेटिनॉल का। ये जो सीरम है हमने रात में अप्लाई करना होता है, डे लाइट में नहीं यूज़ करना। और अगर आपकी स्किन जो है ज़्यादा सेंसिटिव है तो क्लिंजर के बाद जो है आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और उसके बाद जो है सीरम अप्लाई करें। मैंने पहले सीरम अप्लाई किया है, उसके बाद उसको तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने अप्लाई किए थे अपने पूरे फेस पे। फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लिया हाथ पे और उसे भी अपने पूरे फेस पे और नेक पे जो है इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ।
ये जो मैं आपसे स्किन केयर की वीडियो शेयर की है, ये मेरी इवनिंग की या रात की जो है स्किन केयर की रूटीन है। तो आप सब लोग भी ज़रूर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और इसे अपनी हैबिट बनाएं, और साथ साथ जो है हुरैन जो है वो अपना मी टाइम इंजॉय कर रही है। ये तो जी थी, इसके साथ ही जो है आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा।